कल शाम किसानों के लिए आसमान से आफत बरसी। भारी ओलावृष्टि से किसानों की फसल चौपट हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों के नुकसान को लेकर चिंतित हैं और मौके का जायजा लेने विधायकों को ओलावृष्टि से प्रभावित इलाकों में भेजा है। आज ही अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जानी है। पेश एक रिपोर्ट। डीडवाना सहित जिले भर में एक दिन पहले हुई ओलावृष्टि ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। किसानों की गेहूं, जौ, इसबगोल, प्याज और जीरा की फसलें ओलावृष्टि से बर्बाद हो चुकी हैं। किसान फसलों के नुकसान को लेकर चिंतित हैं, वहीं सरकार ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर गंभीर है। डीडवाना विधायक चेतन डूडी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर खेतों में पहुंचे और किसानों की फसलों के नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान विधायक डूडी ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए। डूडी खुद भी शाम तक क्षेत्र में ओलावृष्टि से हुए नुकसान की रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देंगे। कल रात को भारी ओलावृष्टि हुई, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और जो किसान वर्ग है उसको कहीं ना कहीं आज राहत की जरूरत है। कुदरत है, इसका किसी के पास इलाज नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है जब कुदरत किसान पे कहर बरसा रही है तो राज को, और जैसा मुख्यमंत्री साहब ने सुबह निर्देशित कर दिया कि भाई जितने भी विधायक हैं वो अपने क्षेत्र में जाएंगे, जो कृषि के अधिकारी हैं वो क्षेत्र में जाएंगे, गिरदावरी बनाई जाएगी, रिपोर्ट मौके पे जितना जो नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट भेजी जाए। तो मेरी कृषि वालों से सुबह बात हुई है, अधिकारियों से हम लोग बात कर रहे हैं, वो एक रिपोर्ट बना के भेजें और जिन जिन किसानों को जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए, क्योंकि वक्त इतना निकल चुका है, अब दोबारा बुआई नहीं हो सकती है। ओलावृष्टि के बाद फसलों में नुकसान तो हुआ ही है, पेड़ पौधे भी बर्बाद हुए हैं। खेजड़ी, बबूल, नीम सहित पेड़ पौधों के पत्ते ओलावृष्टि से झड़ गए हैं। वहीं पक्षी और जानवरों को भी भारी नुकसान हुआ है। कई जगह पक्षियों के मारे जाने की खबर है। वहीं क्षेत्र में अब तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं और शीतलहर का दौर जारी है। तो मेरा ये मानना है कि जिन जिन किसानों के जहाँ जहाँ नुकसान है उसकी सरकार भरपूर मदद करे और जहाँ तक जितनी ज़्यादा राहत दी जाए उतनी राहत देनी चाहिए। इसबगोल में नुकसान है, जौ में नुकसान है, सरसों में नुकसान है, प्याज की जो थी उसमें नुकसान रहा है, फसल में तमाम जितनी फसलें हैं सब में नुकसान है। भारी ओलावृष्टि हुई है और सरकार को इस बात की जानकारी है, संज्ञान में है कि इतना भारी नुकसान हुआ है, उसकी रिपोर्ट तुरंत प्रभाव से जानी चाहिए और हम लोग प्रयासरत रहेंगे कि सही रिपोर्ट जाए और जो किसान नुकसान में गए उनको पूरा मुआवजा मिले और उसकी भरपाई हो। कल बहुत ओले गिरे, आज भी सूरज नहीं दिखा, आज सर्दी भी तेज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, मतलब आज भी सूरज बाहर नहीं निकला। आज कल से जो मौसम ख़राब है उसे आज ज़्यादा ठंड पड़ गई है और इस ठंड से जितने भी जो भी आगमन है उसमें काफ़ी बाधा आ रही है और अभी तक सूरज नहीं निकला है और कोहरा छाया हुआ है और काफ़ी ठंड है। ओलावृष्टि पहली बार इतनी तेज हुई है। बुजुर्ग और किसानों के अनुसार ऐसी ओलावृष्टि आज तक नहीं देखी गई। विशेषज्ञ मानते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसा हो रहा है। कल हुई जिले भर में भयंकर ओलावृष्टि के बाद आज शहर में शीतलहर का दौर जारी है और जो मेरे पीछे जो आप मेगा हाईवे दिख रहा है उस पर भी जो ठंडक और धुंध का एहसास देखा जा रहा है और वाहन जो है वो धीरे धीरे दिखाई दे रहे, चलते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं जो कल भयंकर जो ओलावृष्टि हुई है उसका नुकसान किसानों को सबसे ज़्यादा हुआ है। किसानों की जो जीरे की फसल है, ज्वार की फसल है और गेहूँ की फसल है, उनको भारी नुकसान हुआ है और नुकसान को लेकर सरकार ने किसानों की जो फसल है उनके नुकसान का आकलन करने के लिए सभी विधायकों को भी अपने अपने क्षेत्र में भेजा है। डीडवाना के विधायक चेतन डूडी है, उन्होंने किसानों के जो खेतों में जाकर जायजा लिया फसलों का और जो नुकसान का आकलन को लेकर सरकार को रिपोर्ट भी भेजेंगे शाम तक और अभी किसानों के खेतों का जो जायजा ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि जो किसानों के साथ साथ जो पक्षी है और पशु है उनको भी नुकसान हुआ है, कई जगह पक्षियों के मरने की खबर आई है और इस शीतलहर की वजह से जो पशु है उनमें भी काफ़ी दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, उनको भी इस ठंड का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये पहला नज़ारा है, किसानों की माने तो, बुजुर्गों की माने तो पहली बार ये बरसात, कई वर्षों बाद ऐसी बरसात हुई है और ऐसी ओलावृष्टि हुई है।